इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मोहगांव जलाशय डूब प्रभावित क्षेत्र के किसान शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिन्होंने कलेक्ट्रेट से मिलने की जिद को लेकर दोपहर 2 बजे से गेट पर ही धरना दे दिया था। किसानों को समझाने के लिए एडीएम और एसडीएम भी पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं सुनी। 5 प्रतिनिधियों की जगह सभी किसान जिला प्रशासन से चर्चा करने पर अड़े हुए थे, जिसके चलते किसानों ने रात कलेक्ट्रेट के गेट में ही गुजारी। महिला, बुजुर्गों, बच्चों सभी किसान लगातार धरने पर बैठे रहे, जिनके जिद के आगे आखिर जिला प्रशासन को झुकना पड़ा। जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल के द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किसानों को बुलाकर बैठक ली गई और उन्हें उनकी मांगों का निराकरण जल्द करने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा मुआवजे के लिए फिर से एक जांच दल बनाने की अनुशंसा की गई है। सोमवार को जांच दल डूब पीड़ित किसानों के गांवों में पहुंचकर फिर से जांच करेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त किया। ये शासन के निकम्मेपन को साफ दिखाती है। और आज जब जनता गिरते पानी में बीवी बच्चे बूढ़े सब आके जब यहाँ बैठ गए जन परिवार सहित, तब शासन की आँख खुली और आज 2 घंटे हमारे साथ बैठ के शासन ने मीटिंग की, जिसका निष्कर्ष ये है कि वो भी अभी प्रोसीजर अडाप्ट करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर गांव वो कोई समिति पहुंचाएंगे। मतलब 6 बार पहले समितियां पहुंच चुकी, निष्कर्ष निराकरण की बातें हो चुकी, सारी रिपोर्टें बन चुकी, पर उन रिपोर्टों से आज तक कोई निराकरण पूर्णता नहीं निकला। हमेशा निराकरण अधूरा रहा है, इसलिए अब उस अधूरे निराकरण के लिए एक और बार समिति बनाई गई है जो पहुंचेगी। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यहाँ कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी से कोई बिलोंग करने वाला व्यक्ति नहीं है, यहाँ सिर्फ किसान है, हमारी जात ही किसान है और हम किसान। क्या चर्चा हुई कलेक्टर में? आप कलेक्टर कार्यालय में 8 बिंदु पे चर्चा हुई, जिसमें मुख्य बिंदु था हमारी परिसंपत्ति, और परिसंपत्ति में जो किसान की परिसंपत्ति छूटी है उसको जोड़ने का हमें आश्वासन दिया गया। साथ ही जो विस्थापन स्थल पर या अन्य जो रास्ता वगैरह जो है, जो इमरजेंसी वाली जो चीज़ है, उसको सोमवार के दिन से ही कार्य चालू किया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया। साथ ही एक टीम का गठन किया जाएगा, जो टीम इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखेगी और समय समय पर किसानों के साथ इन सारी चीज़ों पर चर्चा करती रहेगी। भोपाल और रीवा के बाद अब छिंदवाड़ा में भी पूर्व सीएम कमलनाथ के विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिसे लेकर आज कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए उसे ओछी राजनीति करने वाला बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज किए जाने के साथ ही दोषियों के विरुद्ध उचित वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने बताया कि बीती रात भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं उनके आईटी सेल विभाग द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरुद्ध कुछ स्थानों पर करप्शन नाथ लिखकर पोस्टर चिपकाए गए हैं। यह पुख्ता जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी के आईटी सेल एवं मोबाइल पर प्राप्त हुई है, जिसका छायाचित्र भी कांग्रेस द्वारा शिकायत पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। आपके यहाँ पर कमलनाथ के विरोध में जो पोस्टर लगे हुए हैं, उसके बारे में रिपोर्ट करने और साक्ष्य देने हम लोग जा रहे हैं। स्थिति ये झूठे आरोप ला के इस तरह बदनाम करना और ओछी हरकत करना, ये बहुत निंदनीय कार्य है और इस तरह से उनको शर्म आनी चाहिए जिनने भी ये काम किया है और जिनके संरक्षण में किया है। अगर इस तरह का करना हुआ तो छिंदवाड़ा में कल से हर दिन नए पोस्टर लगेंगे। उज्जैन में महाकाल लोक में हुए महाघोटाले, भोपाल में सतपुड़ा भवन में अग्निकांड, भीषण बिजली कटौती व बढ़े अपराधों के खिलाफ आज कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन से कांग्रेस पदाधिकारी रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए फब्वारा चौक पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष धरना देकर छिंदवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे सहित सभी पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज बात आ गई है, आपने भगवान के साथ भी इतना बड़ा धोखा किया है, आपको ये भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। आप अपनी कुर्सी से तैयार हो जाओ उतरने के लिए। मूर्तियां गिर गई, 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और मूर्तियां गिर गई। शिवराज सिंह चौहान, थोड़े दिन रुको, अभी मतदाताओं की हवा चलेगी और तुम्हारी मूर्ति भी उखड़ जाएगी और कुर्सी भी उखड़ जाएगी। इस तरीके से महाकाल लोक को उन्होंने घटिया तरीके से निर्माण कराया, भवन में आग लगाई, इसके विरोध में कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आप कितनी सरेंद्र आदरणीय कमलनाथ जी के लिए कर लो, लेकिन कमलनाथ जी दूध से डूबे हुए नेता है।
सतपुड़ा भवन में दो दो बार साक्ष्य मिटाने के लिए 24 करोड़ का नुकसान किया गया और सरकारी मुख्यालय को जिसमें मेरा ऑफिस कभी पीएचई का होता था उस सब में आग लगा के पूरा बर्बाद कर दिया गया। घोटाले पे घोटाले, चाहे व्यापम का घोटाला हो, खाद्यान्न का घोटाला हो, और हर तरह से आप देखिए इन्हने जो नियुक्तियों में घोटाला किया था, इन सब घोटालों की फाइलों को इनकी सरकार जाने वाली साक्ष्य मिटाने के लिए जानबूझ के आग लगाई गई। भाजपा कार्यालय में आज भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आज आयोजित कांग्रेस में आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी ही कमलनाथ के खिलाफ हैं। आज जो जिला स्तर पर कांग्रेस का आंदोलन हुआ है उसमें मुठ्ठी भर नेता और कार्यकर्ता ही मौजूद रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले कमलनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए कि इन्होंने झूठे प्रमाण पत्र बांटे, युवाओं को छलने का काम किया है, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को छलने का काम किया है, बच्चों को छलने का काम किया जिनके लैपटॉप कमलनाथ ने छीने उस समय के बच्चों के, 15 महीने के शासनकाल में जिन बच्चों को लैपटॉप मिलना था उन बच्चों के लैपटॉप छीनने का काम कमलनाथ के द्वारा किया गया। गरीबों को मजबूती देने वाली संबल योजना कमलनाथ के द्वारा बंद की गई और ऐसी सारी जन कल्याणकारी योजनाएँ बंद की गई, तो कांग्रेसियों को कमलनाथ के खिलाफ धरना और उनके खिलाफ उठो। जिले में अभी तक 35.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 100 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 24 जून तक 17.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तहसील छिंदवाड़ा में 13.6, मुखेड़ में 10.2, तामिया में 16, अमरवाड़ा में 20, चौरे में 15.4, हर्रे में 73.4, सौसर में 5.4, पांडुर्ना में 9, बिछुआ में 13, परासिया में 11.1, जुन्नारदेव में 11.2, चांद में 34 और उमरेट में 7.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, फ्री डेज, फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन, निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रेवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। रक्तदान शिविर में 44 यूनिट रक्तदान हुआ। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ओगले ने बताया कि प्रधान जिला न्यायाधीश जितेंद्र शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन एवं रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा सहित न्यायाधीश गण कुमुदिनी पटेल, हरप्रसाद वंशकार, वरुण पुनासे, शिव मोहर सिंह, वीणा खलखो, मेहताब सिंह बघेल और राहुल जैन द्वारा रक्तदान किया गया। इस रक्तदान शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा की बेटी गुंजन शर्मा ने प्रथम बार रक्तदान किया। गुंजन द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि मुझे रक्तदान करने में खुशी हुई है, जिसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री जितेंद्र कुमार शर्मा सर के मार्गदर्शन में ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ छिंदवाड़ा में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, और जिसमें हमारे यहाँ के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और जो हमारा स्टाफ है इनके द्वारा ब्लड दिया जा रहा है, और यहाँ तक इनकी फैमिलीज द्वारा भी इसमें काफ़ी सहयोग किया जा रहा है। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर गोंडवाना महासभा के तत्वावधान में आज विशाल रैली निकाली गई, जिसमें वीरांगना रानी दुर्गावती की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। रैली के माध्यम से गोंडवाना महासभा के पदाधिकारी और सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने शासन के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। हमारी प्रमुख जो मांग है
बैतूल जो 34% आदिवासी वहाँ पे बैतूल में है, पर छिंदवाड़ा में 38% आदिवासी होने के बाद भी जो लोकसभा सीट है वो आदिवासी के नाम से आरक्षित नहीं है। और आज पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर आज जो भू माफियाओं के द्वारा जो आदिवासी की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम लेकर जो भू माफियाओं के द्वारा अधिकारियों के साठ गांठ में जो खेल चल रहा है उसके विरोध में भी हम आज हमारी 8 सूत्री मांगे हैं और इसको लेकर हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। वार्ड क्रमांक 41 में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन चल रहा है, जिसमें पंडित कुलदीप जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पर प्रवचन दिए जा रहे हैं। कथा के 5वें दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के संबंध में कथा सुनाई। भगवान ने प्रतियोगिता रखी, सबको आमंत्रण कार्ड भेजे, सब लोगों ने जब देखा कि हमारा प्रतियोगिता में भाग लेने का मिला है मौका ही में मारना चाहिए। समस्त महिला मंडल मत्स्य कॉलोनी वार्ड नंबर 41 में शिव महाभागवत पुराण का आयोजन किया गया है। सभी कॉलोनी वासी नगर वासियों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आके अपनी उपस्थिति दें।